खबर उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत से है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विकासखंड बरखेड़ा में रोचक हुआ उपचुनाव, जमकर हुआ मतदान, सगी देवरानी और जेठानी के बीच हुई कांटे की टक्कर। बरखेड़ा के गांव बहादुरपुर हुकमी में सगी देवरानी और जेठानी के बीच देखने को मिला कड़ा मुकाबला। क्षेत्र पंचायत के वार्ड नंबर 36 से सगी देवरानी और जेठानी के बीच हुआ कड़ा मुकाबला। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक गंगवार की पत्नी दामबंती, सगे छोटे भाई अजय गंगवार की पत्नी पुष्पलता के बीच देखने को मिला कड़ा मुकाबला। बरखेड़ा की वार्ड नंबर 36 क्षेत्र पंचायत सीट से पूरे जनपद की निगाहें थी पूरे दिन टिकी। ब्लॉक प्रमुख अशोक गंगवार के बेटे संजीव गंगवार ने दिया था इस्तीफा, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत पद पर हुआ उपचुनाव। 1624 मतदाताओं में से 1496 लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। गाँव गाजीपुर गोंडा में बूथ संख्या 91 पर 545 लोगों में 485 वोट पड़े, तो वहीं गांव बहादुरपुर हुकमी में बूथ संख्या 100 पर 585 में 548 लोगों ने किया मतदान। बूथ संख्या 101 पर 494 में से 463 लोगों ने किया मतदान। दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिला कड़ा मुकाबला। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत तय मान रहे। बीडीसी चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हिलने की आशंका। ब्लॉक प्रमुख की महिला सीट होने के कारण पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र ने दिया था इस्तीफा। पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके में लखनऊ जैसी राजनीति देखने को मिल रही। ब्लॉक प्रमुख सीट के लिए अब फिर दावेदारी तय मानी जा रही। फिर पंचायत रिक्त पदों पर गुरुवार को जनपद में उपचुनाव हुए। इस दौरान सभी की नज़रें बरखेड़ा विकासखंड में वार्ड नंबर 36 पर क्षेत्र पंचायत चुनाव पर बनी हुई थी। दरअसल यहां पर दोनों प्रत्याशी दिग्गज के साथ साथ लंबा राजनीतिक इतिहास भी रखते हैं। वहीं आसपास में आपको बता दें, सगी देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबला है। हालांकि राजनीति में रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी राजनीति में रिश्ते समाज के लिए ख़त्म नहीं होते। बरखेड़ा के वार्ड नंबर 36 से बहादुरपुर हुकमी में क्षेत्र पंचायत सदस्य के उपचुनाव में कुल 1624 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन रिमझिम बारिश के बीच मतदाताओं में काफ़ी रोष देखने को मिला। शाम 5 बजे तक 1696 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले दोनों प्रत्याशियों का परिचय बता दें, इसके बाद कौन प्रत्याशी किस पर भारी रहा ये भी बताएंगे। दरअसल पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक गंगवार के पुत्र संजीव गंगवार ने बीडीसी सदस्य पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद इस बार अशोक गंगवार ने अपनी पत्नी दमबंती देव मैदान में उतारा, तो वहीं विपक्ष से सगे छोटे भाई अजय गंगवार की पत्नी पुष्पलता मैदान में उतर गईं। हालांकि पुष्पलता का लंबा राजनीतिक इतिहास है, तो पुष्पलता की सगी बहन बीजलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दिव्या गंगवार हैं, तो वहीं उनके पिता भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद भी रह चुके हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद रह चुके पिता डॉक्टर परशुराम गंगवार की तर्ज पर इस बार पुत्री ने भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जोर आजमाइश के लिए प्रयास शुरू कर दिया। बता दें कि पंचायत चुनाव में से 92% मतदान हुआ। इस दौरान गाजीपुर गोंडा के 3 भागों में बूथ संख्या 91 पर 545 में से 485 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं बूथ संख्या पर गांव बहादुरपुर हुकमी में 885 में से 848 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथ संख्या 101 पर 494 लोगों में से 663 मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर मतदान हुए। हालांकि गांव में चर्चा है कि गाजीपुर गुंडा में अशोक गंगवार की पत्नी देवबंती देवी मजबूत हो रही हैं, तो वहीं बहादुरपुर हुकमी में अजय गंगवार की पत्नी पुष्पलता मजबूत दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, इनकी कोई पुष्टि नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद ही सही स्थिति पता लग पाएगी। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख की महिला सीट आने के कारण पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक गंगवार के पुत्र संजीव गंगवार ने इस्तीफा देकर अपनी माँ को चुनाव लड़ाया, तो वहीं एक बार फिर बीडीसी के मौका देखते हुए अजय गंगवार ने अपनी पत्नी पुष्पलता को चुनाव मैदान में उतार दिया। दोनों में कोई भी प्रत्याशी जीता तो ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदारी अवश्य करेगा।